हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव। सो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि OSPF वर्चुअल लिंक क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ टोपोलॉजी देख सकते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एरिया 10 लिया हुआ है, एरिया 20 लिया हुआ है और एरिया 0 लिया हुआ है, करेक्ट। जबकि OSPF का रूल ये बोलता है कि अगर आपको कोई भी एरिया कनेक्ट करना है तो आप एरिया 0 को कनेक्ट करो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंट सीनियर है। सीनियर कुछ इस तरीके का है कि अगर मैं एरिया 10 को देखता हूँ, ये 0 के साथ कनेक्ट है ही नहीं। ठीक है, ये कनेक्ट है एरिया 20 के साथ। ठीक है, तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि इसका एग्जैक्टली किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होता है और हम लोगों को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से निकालना है। ठीक है, सो आज का टॉपिक ही हमारा है OSPF वर्चुअल लिंक। तो हम लोग किस तरीके से वर्चुअल लिंक क्रिएट करना है उसके बारे में मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते कि बेसिक आईपी एड्रेसिंग अंडरस्टैंड कर लेते कि क्या आईपी एड्रेस मैंने प्रोवाइड किया है। मैंने जैसे कि टोपोलॉजी में सब कुछ क्लियर कट मेंशन कर चुका हूँ, तो आप टोपोलॉजी देख के ही समझ सकते हैं। स्टिल मैं आपको 2 मिनट में ये बता देता हूँ। सबसे पहले मैं एरिया 10 की बात करूँगा। एरिया 10 में मैंने लूपबैक क्रिएट किए हैं, लूपबैक 1, लूपबैक 2, लूपबैक 3 एंड लूपबैक 4। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने R1 के ऊपर और एक लूपबैक क्रिएट किया है 10.10.10.10। ये लूपबैक मैं एज अ राउटर आईडी यूज़ करने वाला हूँ R1 के ऊपर। ओके, सेकंड थिंग, अगर आप R2 की बात करते हैं तो R2 के पास भी दो इंटरफेस है, S1/0 और S1/1। मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस मेंशन किया है हर इंटरफेस के आगे में। जितने भी इंटरफेस है आप देख सकते हो, उसके साइड में जो आईपी एड्रेस है मैं वही आईपी एड्रेस असाइन करने वाला हूँ। लेकिन जो इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस असाइन करने वाला हूँ वो /8 वाला है, मतलब क्लास ए का जो है 255.0.0.0, ये सबनेट मास्क मैं यूज़ करने वाला हूँ। ओके, और रही बात लूपबैक की, सो हर राउटर के ऊपर मैं ये जो लूपबैक लिखा है मैंने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, ये सभी लूपबैक एज अ राउटर आईडी यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये लूपबैक 32 मास्क लिया, मतलब कंप्लीट फुल मास्क में ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके का मेरा बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फिगरेशन है। ठीक है, अभी मैं चलाने वाला हूँ OSPF। हमेशा एक बात याद रखना, अगर मैं OSPF चलाता हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंटरफेस कौन से एरिया में है। अगर मैं ये इंटरफेस एरिया 10 में डाल देता हूँ तो ये गलत रॉन्ग कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना सबसे पहले अगर मैं OSPF कॉन्फिगर करता हूँ तो। ठीक है, आज का थोड़ा सेशन थोड़ा बहुत लेंदी होगा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको बताऊंगा कि ट्रबल शूटिंग पॉइंट्स मीन्स अगर आप कहीं पर मिस्टेक करते हो तो किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, ये थोड़ा बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है, तो प्रॉपर तरीके से वीडियो देखो। 100% श्योर हूँ मैं कि आपको ये वीडियो एट द एंड पूरा समझ में आ जाएगा किस तरीके से वर्चुअल लिंक वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं R1 के ऊपर कॉन्फिगरेशन स्टार्ट करता हूँ। अभी तक तो मैंने जो कॉन्फिगरेशन किया वो है बेसिक आईपी एड्रेसिंग शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने S1/0 जो कि ये इंटरफेस है, इस इंटरफेस को मैंने आईपी एड्रेस असाइन कर चुका हूँ। ओहो सॉरी, 1.1.1.1 देख सकते हैं, /8 का मास्क दिया है। तो मुझे अगर आपको वो दिखाना है तो मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ। कमांड लाइन के ऊपर ध्यान दो, शो रन इंटरफेस S1/0। जैसे मैं ये कमांड लाइन डालता हूँ आप देख सकते हैं कि मैंने कौन सा सबनेट मास्क यूज़ किया है। सेम एस लूपबैक के लिए, लूपबैक मैंने यहाँ पर 32 मास्क वाला यूज़ किया है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी के जितने भी लूपबैक्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं /24 वाला मास्क यूज़ किया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी /24 वाला मास्क यूज़ किया, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। चोरन इंटरफेस लूपबैक 1, देखो /24, 3, 2, सभी को /24 यूज़ किया। ठीक है, मतलब मैंने जहाँ तक बेसिक कॉन्फिगरेशन की बात करता हूँ तो सब कुछ हो चुका है। तो अभी मुझे बात करना है OSPF प्रोटोकॉल की, तो मैं सबसे पहले OSPF प्रोटोकॉल करूँगा, रन करूँगा राउटर R1 के ऊपर। तो सबसे पहले मैं R1 के ऊपर जंप कर रहा हूँ। सिंपल कॉन्फिगरेशन है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल आईपी एड्रेस मैंने फॉलो की है। कॉन्फिगरेशन कर रहा हूँ, कॉन्फिगरेशन टर्मिनल राउटर OSPF 100, मैं प्रोसेस आईडी 100 का यूज़ करता हूँ। ठीक है, हाँ काफ़ी लोग इसमें भी कन्फ्यूजन रहते हैं कि आपको प्रोसेस आईडी क्या देना है।
तो आप कोई भी प्रोसेस आईडी यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर आपका प्रोसेस आईडी सेम होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, एक राउटर पे 100 देते, दूसरे राउटर पे 200 देते, तो राउटर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि तुम्हारा नेबर राउटर कौन सा है। तो हमेशा प्रोसेस आईडी तुम्हारा सेम ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं R1 के ऊपर 100 लगा रहा हूँ, तो R2, R3, R4 जो भी कनेक्टेड राउट्स है, मुझे जिनके पास से राउट्स लेना है, उन सब के ऊपर मैं प्रोसेस आईडी 100 लगाऊंगा। तो यहाँ पर भी मैं प्रोसेस आईडी 100 लगा रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हैं, तो मैक्सिमम जितने भी ट्रेनर लोग हैं 100, 200, 500 इस तरीके से यूज़ करते हैं, तो मैं भी एक इजी टू अंडरस्टैंड के लिए 100 ले रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं दूसरा नहीं ले सकता, आप दूसरा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ की कर रहा हूँ OSPF 100, ठीक है। सेकंड कमांड, मैं हमेशा राउटर आईडी मेंशन करूँगा, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो मैं लूपबैक क्रिएट किया है, मैं एज अ राउटर आईडी के लिए यूज़ करने के लिए मैंने लूपबैक लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राउटर आईडी के तौर पे लूपबैक का यूज़ करूँगा 10.10.10.10, ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है नेटवर्क। अभी देखो मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से एडवर्टाइज़ करता हूँ। अगर मुझे प्रॉपर मीन्स एग्जैक्ट इंटरफेस एडवर्टाइज़ करना है, तो मैं किस तरीके से एडवर्टाइज़ करूँगा, ठीक है। हालांकि वो इस पर कॉन्फिगर करने के 2-3 तरीके से मैं कॉन्फिगर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं एक बेस्ट वे बताऊंगा जिसके अंदर आपका मिस्टेक होने का चांसेस 0% रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला वाला मेथड, सबसे पहले मेथड में मैं क्या करूंगा, ये जो S1/0 दिख रहा है आपको, ये जो इंटरफेस है, इसके ऊपर है 1.1.1.1 आईपी एड्रेस, मैं इसका नेटवर्क एडवर्टाइज करूंगा, ठीक है। मतलब उस पर्टिकुलर लिंक को एडवर्टाइज करूंगा, 1.0.0.0, इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट मेथड है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद पूछता है वाइल्ड कार्ड मास्क, ठीक है, क्लास ए का है ये, ठीक है। मैंने सबनेट मास्क भी यूज़ किया है 255.0.0.0, इसका उल्टा करना पड़ेगा। अगर मैं वाइल्ड कार्ड मास्क की बात करता हूँ, तो 255.0.255.255.255, और ये कौन सी एरिया में आता है, सो अगर आप यहाँ पर चेक करते हो, तो ये आता है एरिया 20 में, ठीक है। तो मैं मुझे यहाँ पे भी जो डिफाइन करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा एरिया 20, ठीक है। इस तरीके से मैं फर्स्ट मेथड में एडवर्टाइज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर अभी मैं फर्स्ट थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ, मैं बैक चला गया हूँ, शो रनिंग कॉन्फ्रेशन पाइप सेक्शन OSPF। आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने कमांड लाइन दिया है वो प्रॉपर है, ठीक है। तो अभी मैं फिर से ये निकाल देता हूँ, मैं आपको अभी सेकंड वाला मेथड बताता हूँ। सेकंड वाले मेथड में आप किस तरीके से कॉन्फिगर कर सकते हो, सबसे पहले तो रिमूव कर देता हूँ मैं। जैसे रिमूव करूँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी कॉन्फिगरेशन नहीं है OSPF का, ओनली राउटर आई डी क्रिएटेड है, ठीक है। तो मैं सेम कॉन्फिगरेशन कर रहा हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक, राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट हो जाता है। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में नेटवर्क 1.0.0.0, अभी मैंने इसके पहले वाइल्ड कार्ड मास्क एडवर्टाइज किया था, अभी मैं यहाँ पे सबनेट मास्क एडवर्टाइज करता हूँ, ठीक है। उसके बाद एरिया 20, सबनेट मास्क डाला है मैंने यहाँ पे, नोटिस करो आप, मैंने ये सबनेट मास्क का यूज़ किया है। जैसे मैं एरिया 20 करके एंटर करता हूँ, तो क्या होता है कि ये जो सिमुलेटर के ऊपर राउटर्स है, ये काफ़ी इंटेलिजेंट राउटर्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क को वाइल्ड कार्ड मास्क में कन्वर्ट कर लेता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं शोरूम पाइप सेक्शन OSPF, देखो उसने ऑटोमेटिकली एडवर्टाइज कर दिया, ऑटोमेटिकली कॉन्फिगर कर दिया वाइल्ड कार्ड मास्क में, ठीक है। तो मीन्स क्या हो रहा है कि ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमें इसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए, कि हमें कंसेप्ट प्रॉपर पता होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों को इस तरीके से एडवर्टाइज नहीं करना है, हमेशा हमें वाइल्ड कार्ड मास्क बताया, तो वाइल्ड कार्ड मास्क के थ्रू ही एडवर्टाइज करना है, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया, तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे नो करके मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, देखो कुछ भी कॉन्सेशन है। अभी मेथड नंबर 3 बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मेथड नंबर 3 जो कि मैं फॉलो करता हूँ, और काफ़ी अच्छा मेथड है, मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो प्रोडक्शन लेवल पे काम करते हैं, वो लोग भी इस मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। तो मैं भी ये फॉलो करता हूँ, तो अगर आपको जो भी मेथड पसंद है आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थर्ड वाला मेथड है जो मैं फॉलो करता हूँ आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेटवर्क 1.1.1.1 जो कि एग्जैक्ट आईपी एड्रेस है, जब भी मैं एग्जैक्ट आईपी एड्रेस एडवर्टाइज करूँगा, तो मैं वाइल्ड कार्ड डालूंगा 0.0.0.0.0.20, ठीक है। इससे क्या होगा,
आप एग्जैक्ट एडवर्टाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एग्जैक्ट एडवर्टाइज किया, तो मैं ये वाला मेथड फॉलो करने वाला हूँ। अभी मुझे एडवर्टाइज क्या करना है, जो कि मैंने लुपबैक लिया उसको भी एडवर्टाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो नेटवर्क ये लुपबैक इसको एडवर्टाइज कर देता हूँ, एरिया 20 में ही डालने वाला हूँ इस लुपबैक को मैं, ओके। आप यहाँ पे पॉज करके देख भी सकते हो मैं कौन से एरिया किस में डाल रहा हूँ, ठीक है। थर्ड थिंग जो कि मुझे एरिया 10 में एडवर्टाइज करना है, तो यहाँ पे मैं एक साथ पूरे नेटवर्क को भी एडवर्टाइज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11.0.0.1 1.1 2.1 3.1 ऐसे चार एंट्रीज मेरे पास आ सकती है। या तो मैं वन बाय वन सबको एडवर्टाइज कर दूँ, या तो एक साथ मैं सबको एडवर्टाइज कर दूँ। तो मैं यहाँ पे सेकंड वाला नहीं फर्स्ट वाला सॉल्यूशन यूज़ करूँगा, जिसके अंदर मैं एक साथ सबको एडवर्टाइज कर सकता हूँ, ठीक है। 11.0.0.0.0.255255255 एरिया 10, यहाँ पे ये बात याद रखना, क्योंकि यहाँ पे अगर मिस्टेक होगी तो तुम्हारा OSPF का प्रैक्टिकल रन नहीं हो पाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। शो रन पाइप सेक्शन OSPF, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या किया है, तीनों नेटवर्क एडवर्टाइज किया है, जिसके अंदर एक लुपबैक है, दूसरे वाले जो मैंने एरिया 10 के अंदर लुपबैक क्रिएट किया उस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए ये यूज़ किया है, जो राउटर आईडी के लिए लुपबैक की है वो ये है, और इंटरफेस का आईपी एड्रेस जो है उसको एडवर्टाइज करने के लिए मैंने इस तरीके से मेथड का यूज़ किया। अभी हम लोग जंप करते हैं R2 के ऊपर, ठीक है। R2 के ऊपर और एक नई चीज़ आपको पता चलेगी जो आज के सेशन में मैं बताने वाला हूँ, ये मैंने अच्छा टोपोलॉजी है, इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। राउटर OSPF 100, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाले राउटर के ऊपर भी OSPF 100 यूज़ किया। राउटर आईडी 20.0.20.20.20, जैसे कि मैंने बताया इसके पहले मैं राउटर आईडी कौन सी वाली यूज़ कर रहा हूँ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो वही राउटर आईडी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे चेक कर रहा हूँ मैं, मेरे पास तीन इंटरफेसेस है। जो फर्स्ट इंटरफेस है S1/0 जो भी एरिया 20 में है, 1/1 ये भी एरिया 20 में है, इसका जो लुपबैक है वो भी एरिया 20 में है। तो मैं एक शॉर्टकट तरीके से किस तरीके से एडवर्टाइज करता हूँ आप यहाँ पे देखो, एकदम शॉर्टकट, नेटवर्क 0.0.0.0 सबको एडवर्टाइज कर रहा हूँ मैं, 255255255255 एरिया 20 एट अ टाइम मैं सभी इंटरफेस को एडवर्टाइज कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते सिंपल कमांड, आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप वन बाय वन भी एडवर्टाइज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरा तो यही कंसेप्ट था कि आप लोगों को बताना कि इस तरीके से भी होता है। अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, आपको इस तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं लगते, आपको लगता है कि मुझे 1-to-1 इंटरफेस एडवर्टाइज करना चाहिए, जो हम लोगों ने इसके पहले R1 के ऊपर जो मेथड यूज़ किया है आप इस तरीके से ही एडवर्टाइज कर सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी आसान तरीके आप इस तरीके से एडवर्टाइज कर सकते हो, ठीक है। मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया तो मुझे इसलिए ये थोड़ा बहुत आसान लगता है, और मुझे पता है कि कहाँ पे यूज़ करना है। अगर आपको नहीं पता तो आप यूज़ मत करो, आप ये वाले मेथड का यूज़ करो, पर्टिकुलर इंटरफेस को एडवर्टाइज करो, सबनेट मास्क डालो 0.0.0.0 0.0.0.0 और जो भी कुछ पर्टिकुलर एरिया आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ राउटर R3 के ऊपर, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा राउटर R3 है, तो R3 मेरा ओपन है क्या, ओके R3 ओपन है, ठीक है। R3 पे मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा R3 का एक इंटरफेस है जो कि है मेरा एरिया 0 के अंदर, और एक इंटरफेस है जो है मेरा एरिया 20 के ऊपर। तो इसलिए मैं जो R2 के ऊपर जो जिस तरीके का कॉन्फिगरेशन किया है मैं वो यहाँ पे नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहले R3 के ऊपर जा रहा हूँ, राउटर OSPF 100, राउटर आईडी 30.30.30.30 हो गया। चलो अभी इंटरफेस एडवर्टाइज करते हैं, नेटवर्क 2.2.2.2 वाई कार्ड एरिया 20, ओके। मुझे लुपबैक को भी एडवर्टाइज करना है बिना भूले, नेटवर्क 30.30.30.30.0.0.0.0 एरिया 20 में ही एडवर्टाइज करने वाला हूँ मैं, ओके। उसके बाद नेटवर्क 3.3.3.1 एरिया 0, क्योंकि ये नीचे के एरिया में है, ठीक है। यहाँ तो हो गया शो रनिंग कॉन्फिगरेशन पाइप सेक्शन OSPF, करेक्ट।
अगर यहाँ पे देख सकते हैं तो मैंने प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया है, ये एरिया ज़ीरो में आना चाहिए ये नेटवर्क, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हैं मैंने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन कौन से नेटवर्क कौन से एरिया में एडवर्टाइज़ किए, तो आपको ये सब कुछ चीज़ें दिख जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हो गया मेरा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अभी सेम है, अगर मैं R4 के ऊपर जाता हूँ तो R4 के सभी इंटरफेस एरिया ज़ीरो में है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं जो R2 पे किया वही मैं यूज़ करूँगा, राउटर OSPF 100। सबसे पहले राउटर आईडी उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ में आ ही गया है। एरिया ज़ीरो, ठीक है, हो गया मेरा यहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन, ओके। अभी यहाँ पे जैसे कि OSPF का थंब रूल ये बोलता है कि अगर तुम्हारा कोई भी एरिया हो वो हमेशा एरिया ज़ीरो के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए। अगर कोई एरिया एरिया ज़ीरो के साथ कनेक्ट नहीं होता है तो वो राउट्स नहीं आएंगे आपके पास। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एरिया 10 में कुछ राउट्स है, A11 का नेटवर्क है यहाँ पे कम्प्लीट, ठीक है। वो नेटवर्क R4 के पास नहीं आएगा बिकॉज OSPF का रूल ही है। रूल क्या बोलता है कि कोई भी एरिया हो वो एरिया ज़ीरो के साथ ही कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी तुम्हारे राउट्स एक दूसरे के साथ पास हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि एरिया 10 20 को कनेक्ट है और 20 एरिया ज़ीरो को कनेक्ट है। तो एरिया ज़ीरो बोलता है कि मेरे साथ जो एरिया कनेक्ट है वो है एरिया 20, तो मैं उसके राउट्स लर्न करूँगा, उसके लिए राउट्स दूंगा भी, लेकिन एरिया 10 तो मुझसे कनेक्ट भी नहीं है, ठीक है, तो मैं उसके साथ तो बात भी नहीं करूँगा, उसके राउट्स पढ़ूंगा भी नहीं, ठीक है। इस तरीके का सिचुएशन है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक चीज़, जैसे आप OSPF का कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो ईच एंड एवरी राउटर जो कि OSPF में है उसके ऊपर जाके सबसे पहले कमांड लाइन चलाना है आपको, शो IP OSPF नेबर, जो आपको नेबर की इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है, इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन देगा एज वेल एज IP एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देगा, स्टेट एंड डेट टाइम की भी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया, ठीक है। सेम एज R2 के ऊपर भी आपको चेक करना है, R2 के ऊपर दो नेबर है R1 एंड R3, तो ये भी दिखना चाहिए शो IP OSPF नेबर। ये कमांड से आप नेबर देख सकते हो, देखो दोनों नेबर दिख रहे हैं, ठीक है, इंटरफेस IP एड्रेस सब कुछ दिख रहे हैं। सेम एज R3 के ऊपर जाके चेक करूंगा, R3 के ऊपर दो नेबर है R2 एंड R4, सेम कमांड यूज करूंगा शो IP OSPF नेबर, देखो करेक्ट। अगर मैं R4 के ऊपर चेक करता हूँ तो यहाँ पे एक ही नेबर दिखेगा R3 OSPF नेबर, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हो गया हमारा। अभी सबसे पहले R4 के ऊपर जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे चलाऊंगा शो IP राउट। जब मैं शो IP राउट कमांड चलाता हूँ तो आपको यहाँ पे पता चलेगा मुझे 1 का नेटवर्क आ रहा है, 2 का नेटवर्क आ रहा है, 3 का भी नेटवर्क आ रहा है, 10 का नेटवर्क, 20 का नेटवर्क, 30 का नेटवर्क, 40 का नेटवर्क, मतलब सभी लूपबैक्स आ रहे हैं। बट इस राउटिंग टेबल में मैं चेक करता हूँ कुछ मिसिंग है। मिसिंग ये है कि जो यहाँ पे मेरे पास 11 का जो नेटवर्क है वो नेटवर्क यहाँ पे नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, देखो पॉज करके आप देख सकते हो वो नेटवर्क है नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए नहीं है क्योंकि एरिया ज़ीरो बोलता है कि जो भी एरिया मेरे साथ कनेक्ट होगा मैं उसके साथ ही अपना डेटा शेयरिंग एंड रिसीविंग करने का काम करूँगा। एरिया 10 तो एरिया ज़ीरो के साथ कनेक्ट है ही नहीं, तो एरिया ज़ीरो उसके साथ बात भी नहीं करेगा, उसके पास अपना डेटा देगा भी नहीं, ठीक है। यहाँ तक तो मेरा बात ठीक था। अभी मैं क्या करता हूँ, सेम एज R4 से जाके पिंग करके चेकता हूँ 1.1.1.1 जो कि R1 का इंटरफेस है उसको पिंग होगा बिकॉज यू ऑलरेडी नेटवर्क हमारे पास आ चुका है, ठीक है। OIA वगैरह क्या है मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट वाले सेशन में बताऊँगा। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसका डेफिनेटली आंसर करूँगा, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया मेरा कम्युनिकेशन, लेकिन मैं पिंग करता हूँ 11.0.0.1 को तो ये पिंग नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा, रिचेबिलिटी नहीं होगा, बिकॉज पहली बात तो ये राउटिंग टेबल में है ही नहीं, उसके बाद सेकंड रीज़न तो मैंने आपको बता ही दिया कि एरिया ज़ीरो के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में मार्केट में कंसेप्ट आया OSPF वर्चुअल लिंक। वर्चुअल लिंक मीन्स क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं
ये जो R3 राउटर है, ये राउटर एरिया 0 को भी कनेक्ट करने का काम करता है और एरिया 20 को भी कनेक्ट करने का काम करता है। और इस साइड में R1 राउटर है जो कि एरिया 10 को कम्युनिकेशन करने का काम करता है और एरिया 20 को भी कम्युनिकेशन करने का काम करती है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मैंने ऐसे दो राउटर फाइंड आउट कर लिए यहाँ पे जो दो डिफरेंट एरियाज को कम्युनिकेशन करने का काम करती है। ठीक है, अगर मैं इस सिचुएशन में, यहाँ पे देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सिचुएशन में एक वर्चुअल लिंक इन दोनों राउटर के बीच में, अगर मैं एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करता हूँ, मतलब वर्चुअल लिंक में मतलब कुछ भी मैं केबल वगैरह कनेक्ट नहीं करूँगा, वर्चुअली क्रिएट करूँगा, मतलब क्या होगा, ये एरिया ज़ीरो, ये जो राउटर है वो एरिया ज़ीरो में कंसिडर होगा, मतलब इन दोनों के बीच में एक वर्चुअल लिंक होंगी। ठीक है, मतलब ये एरिया ज़ीरो में कंसिडर होगा। तो ये जो एरिया 10 है उसको लगेगा कि मैं अभी जो इस राउटर के साथ कनेक्ट हूँ उसका अनदर इंटरफेस एरिया ज़ीरो के साथ कनेक्ट है, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे के साथ अपना डेटा भी शेयर करेगा, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने का भी काम करेगा। ठीक है, तो लाइक एक मैजिक है ये। तो हम लोग देखते हैं कि OSPF वर्चुअल लिंक किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए सबसे पहले आपको ये राउटर आईडी प्रॉपर होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया शो आईपी OSPF नेबर कमांड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और शो आईपी राउट। ठीक है, आप ईच एंड एवरी राउटर पे देखो, सब कुछ आपको पता होना चाहिए प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। अभी R1 के ऊपर जा रहा हूँ मैं, कॉन्फिगर टर्मिनल राउटर OSPF 100। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया 20, एरिया 20 इसलिए बिकॉज इसका जो लूपबैक है जिसको मैंने एडवर्टाइज किया वो एरिया 20 में है, और R3 का भी जो लूपबैक है वो जो एडवर्टाइज किया मैं एरिया 20 में है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया 20 वर्चुअल लिंक, मैं वर्चुअल लिंक क्रिएट कर रहा हूँ। R1 की लिंक किसके साथ कनेक्ट करना है मुझे, R3 के साथ, तो R3 का लूपबैक यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा 30.30.30.30। ठीक है, एंटर, इतना ही कमांड है, ज़्यादा कुछ कमांड नहीं, इतना ही कमांड है, आपको ये मेंशन करना है यहाँ पे। ठीक है, सेम कमांड मुझे वाई से वैसा यूज़ करना है R3 के ऊपर। यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज बोल रहा है कि रिसीव इनवैलिड पैकेट्स मिसमैच एरिया आईडी, इसलिए मिसमैच हो रहा है क्योंकि अभी R1 ने तो एक वर्चुअल लिंक बनाया है लेकिन R3 ने R1 की तरफ वर्चुअल लिंक नहीं बनाया, जिसकी वजह से मिसमैच आईडी आ रहा है। जैसे लिंक बनेगा वो एरर चला जाएगा। ठीक है, अभी आपको ये लॉक्स भी पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, ये मोस्टली CCNP लेवल का प्रैक्टिकल है, मैं अपने कुछ दोस्तों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी देख सकते हो इस वीडियो को, राउटर OSPF 100 करेक्ट, एरिया 20 वर्चुअल लिंक, ये किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, R3 R1 के साथ, तो R1 का लूपबैक करेक्ट। जैसे मैंने डाल दिया तो ये इसके पास एक मैसेज आ गया, OSPF एडजेसेंसी फाउंड हो गया। ठीक है, नेबरशिप फाउंड हो गया। ठीक है, लोडिंग फुल जो कि OSPF के स्टेजेस है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अभी यहाँ पे एक देखो, जैसे कि इसके पहले मैंने OSPF नेबर चेक किया था तो मुझे दो नेबर मिल रहे थे, बिकॉज दोनों नेबर मतलब R2 एंड R4 जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन अभी वर्चुअली R1 भी कनेक्ट हो गया तो R3 के पास तीन नेबर दिखना चाहिए। शो IP OSPF नेबर, देखो है ना ये मैजिक, 10.10.10.10, और ये OSPF वर्चुअल लिंक के थ्रू आया है। ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। सेम एज मैं R1 के ऊपर भी जाके चेक कर लेता हूँ, शो IP OSPF नेबर, देखो यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा नेबर आ गया 30.30.30.30 जो कि वर्चुअल लिंक के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अभी ये जो R1 राउटर है ये भी मेरा एरिया 0.0 ही कंसिडर होगा, बिकॉज वर्चुअली तो मैंने एरिया 0 के साथ ही कम्युनिकेशन किया है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार R4 के राउटिंग टेबल को थोड़ा सा जज करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं किस तरीके से होता है। सेम कमांड शो IP राउट, यहाँ पे पहले देखो ये वाले राउट को, यहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हैं, इलेवन का नेटवर्क नहीं आ रहा। अभी हम लोग मैजिक दिखते हैं, कुछ दिखा, यहाँ पे इलेवन का नेटवर्क आ रहा है, और इसके पहले मैं इलेवन का नेटवर्क पिंग भी नहीं हो रहा था। यहाँ पे देखो सेम IP एड्रेस में पिंग करके देखता हूँ, अभी पिंग हो रहा है करेक्ट।
सो ये फंडा है वर्चुअल लिंक का। वर्चुअल लिंक क्या करता है, वर्चुअली लिंक क्रिएट करता है। अगर मेरे पास एरिया 10, 20 एंड 0 कनेक्टेड है, बट यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरीके से थे कि एरिया 0 के साथ ही कम्युनिकेशन हो रहा था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी मुझे कुछ सॉल्यूशन देना है तो मैं OSPF वर्चुअल लिंक का सॉल्यूशन दे सकता हूँ। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा प्रैक्टिकल है। जैसे कि मैंने ट्रबल शूटिंग के लिए बात किया था, तो सबसे पहले आपको पॉइंट टू पॉइंट आईपी एड्रेस चेक करना है। सेकंड थिंग OSPF नेबरशिप चेक करना है। थर्ड थिंग राउटर आईडी आपने प्रॉपर कॉन्फिगर किया है कि नहीं वो चेक करना है। उसके बाद प्रॉपर एरिया के अंदर कॉन्फिगरेशन किया है कि नहीं वो चेक करना है। और लास्ट में आपको वर्चुअल लिंक का कॉन्फिगरेशन करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको मज़ेदार लगा हो, समझ में आया हो। ठीक है, अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं आप इसको सब्सक्राइब करो कोर नेटवर्क ट्रेनिंग को। ठीक है, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, मैं डालते रहूँगा इसके ऊपर वीडियोस, आप कनेक्ट करो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।